नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई होगी। 38 से ज्यादा याचिका पर सुनवाई होनी है। बता दें आपको, अधिकांश याचिका में परीक्षा रद्द करने की मांग है। 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा हुई थी, उसके बाद पेपर लीक का मामला सामने आया था। 38 से भी ज्यादा याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है और ज्यादा याचिकाएं जो है वो पेपर खारिज करने को लेकर के, यानी कि एक बार फिर से पेपर कराने की मांग को लेकर के याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो उसी को लेकर आज सुनवाई होने वाली है और जो अधिकांश याचिका है परीक्षा रद्द करने से जुड़ी हुई है। 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा हुई थी, उसके बाद पेपर लीक का मामला सामने आया था, जांच पड़ताल तेज हुई। अब सीबीआई इसको लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। तो आज का दिन बेहद अहम है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया जाता है, क्या कुछ सुनवाई में होता है, ये बहुत जल्द हमें पता लग जाएगा। लेकिन जो अधिकांश याचिकाएं हैं उसमें मांग है पेपर रद्द करने को लेकर। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 38 से भी ज्यादा याचिकाएं दायर की गई है, यानी कि लगभग 40 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं। सीबीआई पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि इस मामले में 3 डॉक्टरों को भी, जो कि 2021 बैच के छात्र हैं, उनको सीबीआई अपने साथ लेकर के गई है पूछताछ करने के लिए। कहा जा रहा है कि 9 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हो चुकी है। और ये भी बताया जा रहा है कि देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई होने वाली है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर देखिए, देश भर में ईडी का सर्च ऑपरेशन, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा में कार्रवाई। झारखंड के जमशेदपुर में कार्रवाई, करीब 15 ठिकाने पर सर्च ऑपरेशन किया गया ईडी की तरफ से। देखिए, 1392 करोड़ के बैंक घोटाले का ये पूरा मामला है। हरियाणा के कांग्रेस विधायक के ठिकाने पर सर्च ऑपरेशन, और देखिए सर्च ऑपरेशन में कई सबूत भी मिले हैं। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि देश भर में ईडी ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बताते चले आपको, 15 ठिकाने पर सर्च ऑपरेशन किया गया है केवल जमशेदपुर में, और 1392 करोड़ के बैंक घोटाले का ये मामला है, जिसके लिए हरियाणा के कांग्रेस विधायक के ठिकाने पर भी सर्च ऑपरेशन किया गया है। तो पूरे देश भर में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें दिल्ली, झारखंड, हरियाणा में कार्रवाई हुई है। झारखंड में जमशेदपुर में कार्रवाई, 15 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया गया है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, देखिए देश भर में ईडी ने सर्च ऑपरेशन चलाया है, किन किन ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया गया है और क्या है पूरा मामला, एक बार बताएं। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 1392 करोड़ यानी कि 1392 करोड़ के एक बैंक घोटाला मामले में आज एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और तकरीबन 15 से ज्यादा लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि विशेष तौर पर राजधानी दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और झारखंड के जमशेदपुर सहित कुछ अन्य लोकेशन है, वहां पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से इस बैंक फ्रॉड की अगर बात करें, तो इस बैंक फ्रॉड के मामले में झारखंड से कुछ बेहद महत्वपूर्ण जो लोग हैं उनका एक कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस मामले में हरियाणा के भी एक विधायक हैं, उनका भी कनेक्शन निकल के सामने आया है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के जो एक विधायक हैं राव दान सिंह, उनका कनेक्शन निकल के आया है। ये कांग्रेस पार्टी से वास्ता रखते हैं और उनका नाम सामने आया है। और जिस तरह से इस मामले में एक कंपनी भी है, उस कंपनी का अगर बात करें तो मेसर्स लाइट स्प्रिट लिमिटेड। ठीक है शंकर, देखिए ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि दिल्ली, झारखंड, हरियाणा समेत कई और राज्यों में एक्शन ईडी ने लिया है। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ